सब बर्बाद हो गया, सब नुकसान हो गया, क्या होगा पता नहीं। दोस्तों इतना बर्बाद हो गया है कि पूछो मत, सबका बुरा हाल है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम बताया, आपने देखा ही हमारे वीडियो में कि क्या बर्बाद हो गया, किसके बारे में हम बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ ऐसा बुरा हाल हो गया कि किसानों का बहुत ही बुरा हाल हो गया। दोस्तों अभी तक महंगाई से इतने हम लोग परेशान थे, हम लोग छोड़ो जनता पूरी परेशान है। और इतनी महंगाई है कि जीना हराम है, बस खाना ही रोटी पानी ही चला सकता है आदमी, बचाने की तो सोचना ही मत। इतना महंगाई चल रहा है, कितना भी बचाने की सोचो दोस्तों बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि राशन पानी इतना महंगा है। और दोस्तों ऊपर से सब्जी और आटा हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, सब दुनियादारी तो आपको पता है कितना महंगा है। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या बर्बाद हो गया सारा। किसानों का भगवान का इतना कहर पड़ा हुआ है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, सारी फसल बर्बाद हो रही है। और कनक वगैरह जैसे कि गेहूँ या कोई भी फसल, सब्जी वगैरह जैसे कोई भी बीजो, इस समय सारी बर्बादी चल रही है। पता नहीं क्या हो गया भगवान को, भगवान भी बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। सारी सब्जी जो कि सब्जी सारी तैयार कर रहे हैं वो हो गई। अभी तो सब्जी देखो दोस्तों, आपको सब्जी समय बिजनेस जो हो गई जैसे खीरा करके वगैरह वगैरह न्यू सब्जी बीज के तैयार होने लग गई थी। काफ़ी पौधे बड़े हो गए थे करीब 1-1.5 फुट के, वो भी सारी फसल की बर्बाद हो गई। इतनी बारिश हो गई, सारे पौधे गली जा रहे हैं। और दोस्तों के रह गए कनक, गेहूँ दोस्तों हम आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या हाल है। ऐसे में क्या होगा किसानों का, क्या होगा जनता का, क्या खाएगी, क्या बचाएगी, क्या किसान का मुनाफा होगा? जो लगाए हैं मेहनताना वही निकाला है, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम दोस्तों दिखाते हैं आपको, सारा बर्बाद हो गया। देखो दोस्तों ये बारिश में क्या हाल हो गया गेहूं का, ये हाल है दोस्तों। इसमें जनता बहुत परेशान हो जाएगी। आगे आने में जो आगे आने वाली राशन है जो गेहूं है दोस्तों, इतना महंगा हो जाएगा इसका हाल कि जनता परेशान हो जाएगी। देखो दोस्तों इसमें क्या है, सारी कनक गिर गई है और जो दाना बना हुआ था वो सारा बर्बाद हो रहा है। ये देखो दोस्तों, ये इसमें क्या बचेगा, ये दाने रह ही नहीं गए हैं। और ये देखो दोस्तों दाना काला पड़ गया है, इसमें वो जनता रह नहीं गई जो अंदर इसका आटा बनता है। क्या होगा इसका दोस्तों? सारी दोस्तों फसल बर्बाद हो गई है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको दिखाया कि यहाँ गेहूँ क्या हाल हो गया है, किसानों का बर्बादी हो गई है। पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है। और जैसा कि दोस्तों ये आप बता रहे हैं, ये ऐसे टाइम पे ही बारिश होती है जब गेहूं हो या कोई फसल हो पकने लायक हो या कटने लायक हो, उसी टाइम दोस्तों ये सब होता है। सारी परेशानी भगवान को पता नहीं क्या होगा। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों इसमें क्या रह गया, कुछ नहीं है, दाना रही ही नहीं गया, सारा बर्बाद हो गया। देखो दोस्तों कुछ नहीं रह गया, सब बर्बाद हो गया, सब बारिश के मारे सब खराब हो गई कनक, कुछ नहीं रहा। किसानों का बुरा हुआ हाल। और दोस्तों बारिश हो तो हो ही, उसके साथ साथ घड़े भी गिरते हैं जो कि फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, आपको पता ही दोस्तों। और ऐसा कोई दिन नहीं होता दोस्तों जिस दिन बारिश ना हो। हर रोज पर डे, सुबह शाम और नाइट में किसी ना किसी टाइम बारिश होती ज़रूर है। और जब भी होती है दोस्तों घड़े के साथ होती है। और जब भी घड़े गिरते हैं दोस्तों साहब सत्यानाश पड़ देता है। खैर दोस्तों ये था हमारे इधर लुधियाने का हाल, और क्या बताएं दोस्तों बहुत ही बुरा चल रहा है हाल, बताया भी नहीं जा रहा नुकसान कितना हो रहा है। हम लोग क्या खाएँगे? आगे आने वाली जो महंगाई है ये सब ऐसा ही होगी, आटा महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, सब्जियां महंगी होंगी। खैर दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ दिखाने के लिए। और दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर हमें बताइएगा। और जो नुकसान होता है वो तो बुरा हाल ही हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए दोस्तों ओके, बाय बाय। हमारी वीडियो अच्छी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करना।